हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आ चुका है सैमसंग A32 में A32 में सॉफ्टवेयर अपडेट। तो चलिए दोस्तों, इसको कैसे आप कर सकते हैं चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जैसे ही जाओगे सबसे नीचे चले जाना है सॉफ्टवेयर अपडेट पर। इस पर जैसे ही जाओगे तो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, लास्ट अपडेट जो हुआ 28 अक्टूबर 2023 को हुआ है। इसके बाद इससे पहले जो हुआ है चेक हुआ है जो सॉफ्टवेयर अपडेट 27 जनवरी 2024 को हुआ था। हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक जैसे आप करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सिक्योरिटी फर्स्ट लेवल जो है 1 दिसंबर 2023 है। तो दोस्तों 2023 में आया, इसको आप डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लो। दोस्तों आपका जो फ़ोन है वो बहुत ही साफ और अच्छे से वर्क करेगा। A32 सैमसंग A32 दोस्तों फ़ोन। अगर आपका बग हो रहा है यानी कि हैंग हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, सॉफ्टवेयर अपडेट कर लो, इसके बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों सैमसंग में एक और प्रॉब्लम है, आप सॉफ्टवेयर जैसे ही आता है आपके फ़ोन में तो उस समय अपडेट आप ना करें। आप यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे आप चेक कर लो कि आपके फ़ोन का जो यानी कि सैमसंग A32 जो अपडेट आया लेटेस्ट अपडेट दिसंबर 2023 1 दिसंबर का, तो उसमें क्या अपडेट करने पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों आप अपडेट नहीं करना, रुक जाना 5 से 6 महीने, इसके बाद अपडेट करना। क्योंकि दोस्तों बहुत बार ऐसा सैमसंग में देखने को मिला है, सैमसंग ही नहीं दोस्तों, वीवो, ओप्पो, वन प्लस, रियलमी, सैमसंग, सारा चीज़ में दोस्तों आपको जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट करोगे तो आपको ग्रीन लाइन इशू देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन लाइन इशू आ जाता है सैमसंग फ़ोन में। लेकिन दोस्तों जो सैमसंग का डिस्प्ले होता है वो जो एमोलेड होता है खुद सैमसंग बनाती है। बट दोस्तों सैमसंग करती क्या है, अगर उनका डिस्प्ले ख़राब हो जाता है किसी वजह से यानी उन्हीं के वजह से, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर अपडेट देते हैं बट वो उसको अपने से यूज करके नहीं देखते हैं। दोस्तों सॉफ्टवेयर जब भी वो लोग बनाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम जैसे बग होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो उनको कम से कम 15 से 20 डिवाइस में या 30 डिवाइस में यानी कि 30 डिवाइस में उनको 30 से 40 डिवाइस में उनको ज़रूर चेक करना चाहिए। सभी में इंस्टॉल करके सभी पे रन करना चाहिए और उनको देखना चाहिए 10 से 15 दिन तक लगातार कि इस फ़ोन में प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, ग्रीन लाइन इशू तो नहीं आ रहा, तब उनको लॉन्च करना चाहिए सभी के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट। लेकिन दोस्तों वो करते क्या है, सॉफ्टवेयर तो बना लेते हैं अपने पे तो आजमाते नहीं हैं और दूसरे को आजमाने के लिए दे देते हैं, जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम आता है। दोस्तों मेरा खुद एक ऐसा फ़ोन है सैमसंग M52, उसमें प्रॉब्लम आया है। लेकिन दोस्तों जब हमने कंप्लेन किया सैमसंग के कस्टमर केयर को और उनके जो CEO होते हैं उनको भी हमने किया, तो उन्होंने बोला कि सर ये प्रॉब्लम आपके वजह से हुआ है, ये हमारा वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि हमने तो सॉफ्टवेयर अपडेट आपके लिए बनाया है, फ़ोन के लिए बनाया है, तो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद क्यों कैसे आ सकता है इसे। लेकिन दोस्तों जब पता चला इसको एनालाइज करने के बाद तो पता चला कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से हो रहा है। दोस्तों सैमसंग कंपनी आपको डिस्प्ले नहीं देगी, अगर आपका ग्रीन लाइन इशू हो जाता है सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद वो तो आपको डिस्प्ले प्रोवाइड नहीं करेगी फ्री में। लेकिन दोस्तों वन प्लस जो है उनका जो फ़ोन ख़राब हुआ यानी ग्रीन लाइन इशू आया तो वे लोग क्या किए, वो लोग फ्री रिप्लेसमेंट देने लगे। लेकिन दोस्तों उस समय सैमसंग नहीं दे रही थी फ्री रिप्लेसमेंट, डिस्प्ले को फ्री रिप्लेस नहीं कर रही थी क्योंकि पैसा मांग रही थी, वो बोल रही थी इस वजह से उस वजह से है। तो दोस्तों मैं तो कहूँगा दोस्तों, आप अगर जब भी फ़ोन परचेस करो तो सैमसंग का फ़ोन परचेस ना करो, आप कोई रियलमी या दूसरा फ़ोन आप परचेस कर सकते हो, मैं तो उसी को बताऊंगा दोस्तों। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो हेल्प करेंगे, बट सैमसंग उस तरह का नहीं करता है हेल्प। दोस्तों इस प्रॉब्लम जो हुआ था इस बार, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सैमसंग को सबसे पहले आगे आना चाहिए था, क्योंकि वे डिस्प्ले बनाते हैं अपना सैमसंग का, खुद बनाते हैं, तो उनके डिवाइस में जब ये प्रॉब्लम आ रहा था तो उनको फ्री रिप्लेसमेंट करके सभी को ग्राहक को देना था, बट वो ऐसा नहीं कर रहे थे। तो दोस्तों आज के अपडेट में यही था, फिर मिलेंगे इसी तरह के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।